ऐसा आप लोग को पता है कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर एक चुनावी सभा के दौरान हमला हुआ। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। 4-5 लोग थे जो एक चुनावी सभा के दौरान उनको धक्का मुक्की हुई, उनके पैर में चोट लगी, बुखार आने की शिकायत है और सीने में दर्द की शिकायत है। उसके बाद वो SSKM के लिए आई है कलकत्ता, जिसके साथ जिसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी MP और DJ धानकर भी उनसे मिलने के लिए आए। आपको बता दें अभी हम हैं 62 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर की सभा में, जो आक्रोश सभा वहाँ यहाँ के 62 नंबर वार्ड की जनता और वहाँ के कोऑर्डिनेटर की निगरानी में निकली है। ये पूरे वार्ड में घूमकर अपना आक्रोश जता रहे हैं और संदेश जता रहे हैं कि ये बीजेपी के लोगों ने हमला करवाया था, प्रीप्लान्ड था। कल इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी TMC कल जाएगी चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए। अब नज़र आ रहा है जिस तरह यूपी में एक औरत से के साथ कितना अत्याचार, कितना अन्याय हुआ है, आज दिख रहा है कि बीजेपी का हवा यहाँ पर आने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो लोग ये लिहाज भी नहीं किए कि वो एक औरत है, एक लेडी के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है, वो भी ये लोग भूल चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आज हमारे वार्ड में एक तरह का माहौल फैल गया कि जिस तरह अगर मेरे घर में आकर हमारे घर वालों के साथ इस तरह से कोई पेश आता तो आज हम इसी तरह सड़क पर उतर के इसी तरह प्रोटेस्ट करते। दीदी हमारी माँ की तरह है, आज अगर हमारे माँ के साथ ये हुआ है तो कोई भी बच्ची कोई भी लड़की यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये एक ट्रेलर आप लोग देख रहे हैं, मैं आवाम को ये कहूँगी ये एक ट्रेलर आज दिखाया गया है कि बीजेपी के सरकार के आने से क्या होगा। जब एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है तो एक ऑर्डिनरी लड़की, एक आम लड़की, एक आम नारी किस तरह से महफूज नहीं है, किस तरह से खतरे में है, इस तरह का माहौल आज बन गया है। तो मैं हम सब यहाँ मिलकर हम लोग एक बहुत शॉर्ट नोटिस में 1 घंटे के अंदर सब कोई वार्ड से इकट्ठा जमा हुए और हमारी दीदी के लिए हम लोग ये रैली निकाले हैं, बताने के लिए हम दीदी के साथ हैं। अच्छा हो या बुरा, हम सब दीदी के साथ हैं। और सिर्फ एक नॉमिनेशन ही आज दीदी फाइल करने गई थी, उन पर इतना बड़ा थ्रेट उनको इतना बड़ा थ्रेट लगा, बहुत बुरी पर हमला किया गया और हम लोग इसका पूरी तरह से कड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। हम सब हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, आज दीदी के सामने कोई कैंडिडेट कोई भी आकर खड़ा हो जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चला दीदी के सामने वो नहीं, बंगाल में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। तो एक तरह का डर पैदा हो गया उनके मन में और आज हमारी दीदी को फिजिकली अटैक किया गया है। क्या करती थी वो निकल कर साधारण एक कैंडिडेट की तरह वो अच्छे से अपना ये कर रही थी, प्रचार कर रही थी, अपना प्रचार कर रही थी, अपना इलेक्शन का जो है उस तरह से प्रचार जनता के पास जा रही थी, उनसे मिल रही थी। उनका बस यही है कि वो सिक्योरिटी को उतना ये नहीं करती हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर होकर भी एकदम आम आदमी चली जाती हूँ, वो बिल्कुल नहीं सोचती क्योंकि वो खुद को आवाम के बीच में रहती हैं, कनेक्टेड रखती हैं। तो उसी चीज़ का आज हमें एक तरह से बोला जाएगा कि उसी वजह का ये नतीजा आज हमें देखना पड़ रहा है। शक ये और किस पर होगा, आपने सुना नहीं हमारे रैली पे हमें किस पर शक है, हम एक ही इंसान पर शक है और एक ही पार्टी पे शक है जिसके लिए दीदी आज थ्रेट बनी हुई है। अधीर चौधरी बोल का यहाँ अस्तित्व क्या है, कांग्रेस आज अगर सेंटर में स्ट्रांग रहता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। तो अधीर चौधरी राहुल गांधी क्या बोलते हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी दीदी महफूज चाहिए और हम लोग इसी तरह दीदी के सुरक्षा के लिए दीदी के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जी हाँ बेशक बढ़ाना चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर है हमारी, सिर्फ हम नहीं यहाँ पे जितना भी अपोजिशन पार्टी से उन्हें भी आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो पूरी स्टेट की चीफ मिनिस्टर है। सिर्फ पार्टीज को ही नहीं, हर फील्ड के लोग, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, जो लोग पॉलिटिशियंस है, जो लोग आप मीडिया को भी, मैं कहूंगी कि वो आपकी भी चीफ मिनिस्टर है, आप सबको इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आज तब कोई भी जितना कैंडिडेट है तब कोई सेफ नहीं होगा। एक आम TMC कैंडिडेट अगर अपना प्रचार में निकलेगा, इस तरह का व्यवहार अपने ही स्टेट में किया जाएगा, हम सब उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। एक छोटे वार्ड ही सही हमारा 62 वार्ड, लेकिन एक परिवार की तरह हम लोग निकल कर अपनी माँ के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी पैर में उनको चोट आई है, वो वापस कलकत्ता आ गई है, हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों में खड़ा होकर जिस तरह 7-7, 8-8 किलोमीटर रैली निकालती हम सबको लेके, वैसे ही दीदी वापस एक्टिव फील्ड में आए, हम सब यही दुआ करेंगे। और मैं जनक है कि 2 दिन पहले हम सब ने विमेंस डे मनाया था दीदी के साथ, हम लोग दीदी के पीछे पीछे एक रैली लेकर गए थे कॉलेज स्क्वायर से, हम लोग बहुत खुशी के साथ, हम लोगों ने हर फील्ड की लेडीज आई थी, पॉलिटिशियंस थी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, बहुत लोग मिलकर जितने लेडीज है खुशी खुशी हम
लोगों ने मनाया था, लेकिन आज दो दिन बाद ही इस तरह से एक नारी के साथ व्यवहार होता है, हम सब ये बर्दाश्त की बात है, क्योंकि इलेक्शन के वक्त ही दीदी थ्रेट बनी है ना। 2021 उनके सर पर मंडरा रहा है, किस तरह का डेंजर बीजेपी के सर पे, क्योंकि यहाँ पर दीदी का छोड़ के कोई सरकार आने वाला नहीं है, ये बीजेपी भी समझ चुकी है। कानून के हिसाब से जो भी स्टेप लेना है कानून को लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेडी नहीं, हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े पद पे हैं वो। यही कि वो बहुत ही कायर हैं कि उन्होंने एक औरत पर इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है। हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारी ही नहीं पूरी बंगाल की माँ है। हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। थैंक यू। से हमारी जो नेत्री, हमारी सुप्रीमो, जो हमारी वजीर आला, जो ममता बनर्जी के ऊपर ये जो अटैक हुआ है, ये हमारे यूथ हो या सीनियर सिटीजन हो या कोई भी या महिला हो, ये हम लोग ये नहीं मानने वाले हैं, ये हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह की राजनीति बंगाल में। क्योंकि जैसे कि बंगाल की, यदि बंगाल हमारे जो पूरा सेक्युलर जो स्टेट है इसको पूरा ख़राब करने का बीजेपी का ये साजिश है, और बीजेपी जो जैसे यूपी में करता है दंगाबाजी करता है, जो लूटपाट करता है, गंदा पॉलिटिक्स जो करता है जो यूपी में, वैसा हम लोग को यहाँ बंगाल में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके हम लोग पूरा विरोध करते हैं। देखिए ये जो हमारा जो कोर्ट है, जो लॉ है, वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का हम लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि वो पहला तो वो हम एक हमारे स्टेट की वजीर आला है, और यहाँ पर वो एक महिला भी है, जो कि हम लोग जितना भी सख्त से सख्त कानून उनके ऊपर, जितना भी सख्त से सख्त लॉ हो, वो उनको सज़ा देना चाहिए उनको। बिल्कुल बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ा है हम लोग, ये तो अभी हम लोग ये हम लोग अभी आधा घंटा एक घंटा में हम लोग ये रैली ऑर्गेनाइज किए हैं। आप देखिए आगे, अगर हम लोग को सही अगर हम लोग के साथ सही ये नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, तो हम लोग इससे बहुत ज़्यादा, इससे क्या 10 गुना ज़्यादा हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट, हम लोग रैली निकालेंगे। देखिए ये खेला तो शुरू हो ही गया है, और एकदम वो लोग जो बीजेपी है वो लोग एकदम डर गए हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि उन लोग का ज़माना जब्त होने वाला है यहाँ पर बंगाल में। उन लोग को बंगाल की जनता नहीं चाहती है कोई भी कीमत में, क्योंकि ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है, ये हम लोग ये इसको यूपी नहीं बनने देंगे, और हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं। आज उनका डर दिखा है, डर आज उनका डर दिखा है और कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनका डर है। आज वो नॉमिनेशन बनने गए, उन्हीं से उनको पता चल गया कि आज कितना बड़ा खौफ उनको लगा है। प्ले गेम बिगिन, अब खेला स्टार्ट हुआ है। खेला 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 होबे, खेला होबे, बारे नंदीग्रामे खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, नंदीग्रामे भयंकर खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, बांग्ला खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला कोरिया हमरा देखिए देबो बीजेपी तुम्हाके, खेला होबे, खेला होबे। जो दीदी पर जो कायराना हमला किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये मगरबी बंगाल की तमाम माँ बहनों पर यह हमला किया गया है, ये पूरे हिंदुस्तान की माँ बहनों पर हमला किया गया है। ये जो बीजेपी जो डराने की जो राजनीति कर रही है देश में, वो समझती है कि मगरबी बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को ही वो डरा देगी। हमारे यहाँ सियासत होती है मगरबी बंगाल में, हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं होती। बीजेपी गुंडों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है। मैं खुलेआम देशद्रोही कहता हूँ बीजेपी को, और उसके सपोर्टर्स को भी देशद्रोही कहता हूँ, जिन्हें कानून से कोई लेना देना नहीं है, देश की माँ बहनों से कोई लेना देना नहीं है, देश के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी दरअसल अवाम से जंग लड़ रही है। अवाम आज बीजेपी के खिलाफ जंग की हालत में है, पूरे देश की अवाम, किसी की भी नहीं है, किसानों की नहीं है, औरतों की नहीं है, माँ बहनों की नहीं है, स्टूडेंट्स की नहीं है, गरीब गुरबा की नहीं है, किसी की भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ 2-4 दलों की पार्टी है, जो देश को खरीद के गुलाम बनाना चाहते हैं, देश की आवाम को मगरबी बंगाल को बेचना चाहती है। आज बीजेपी ने जो दीदी पर हमला कराया, मैं इसके डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये बीजेपी का हमला किया हुआ है। सीबीआई इंक्वायरी करवाएं, जो भी इंक्वायरी करें, सीबीआई भी इनकी पार्टी ऑफिस बन चुकी है, किसी पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन आवाम जानती है कि सच्चाई क्या है, आवाम जानती है कि आज जो हमला दीदी पर किया गया है, ये हमला दरअसल मगरबी बंगाल की आवाम पर, मगरबी बंगाल की माँ बहनों पर, और हिंदुस्तान की सियासत पर हमला किया गया है।
आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान मगरबी बंगाल वाहिद स्टेट है जहां एक औरत सीएम है हिंदुस्तान में। शर्म आनी चाहिए, आज पूरे हिंदुस्तान के लिए यह शर्म का मामला है कि एक सीएम को जो अभी हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने जाती हैं उन पर सेंट्रल फोर्सेस से हमला करवाया जाता है, असॉल्ट किया जाता है, इंजर्ड किया जाता है। आज हमारी दीदी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम इसकी कड़े लफ्ज़ों में मुखालफत करते हैं और पूरी तरह से मुखालफत हम लोग करते रहेंगे इसकी।